आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये हमारे टीएस ग्रवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से, और एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाया गया है क्वेश्चन नंबर 19 रीमा एंड सीमा वाला। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पर जाओ। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है जहां पर मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे काम करता है वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजीएस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करके समझाया है बिल्कुल। ठीक है, बस 5 मिनट लगेंगे, तो वहां पर जाकर उसे भी चेक करो अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं आता है तो। आ जाओ अब इस क्वेश्चन को फटाफट से समझ के सॉल्व करते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। क्वेश्चन में हमें डिटेल बताई गई है रीमा एंड सीमा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वली। देखो पहला पॉइंट हमें मिल गया कि हमारे पास कंपनी में दो पार्टनर हैं और इनका जो नाम है वो है रीमा और सीमा, और इनके जो शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। इक्वल का हो गया मतलब आपके जैसे टीचर्स ने बताया होगा 1:1, यानी कि हमने इनका समझ लिया कि भाई जो इनके रेशियो है वो है इक्वल, यानी 1:1। आगे देखते हैं, आगे कहते हैं द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच। अब भाई दोनों को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी 15,000 पर मंथ की, है ना। तो यानी कि रीमा को भी क्या मिलेंगे, 15,000 रुपए मिलेंगे महीने के, और जो सीमा है सीमा को भी क्या मिलेंगे, यहाँ पे 15,000 रुपए महीना मिलेगा 15,000 ईच। ठीक है, अब 15,000 ईच है तो हमें पूरे साल की सैलरी निकालनी पड़ेगी, है ना, पूरे साल, क्योंकि हम जो अकाउंट मेंटेन करते हैं पूरे साल का करते हैं, तो हमें पूरे साल का अमाउंट कितना जाएगा उसे वो पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे 15,000 × 12 करके। ठीक है, तो दोनों को कितना कितना अमाउंट निकलेगा ये आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब इसे क्वेश्चन को थोड़ा आगे पढ़ते हैं और फिर इसका भी क्या इस्तेमाल है और कहां नहीं है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन को। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज 10%। तो जो हमारे पार्टनर है ना उन्हें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये हुआ कि जो उन्होंने पैसा कंपनी में लगाया था, इन्वेस्ट करा था फर्स्ट टाइम, उस पर वो ब्याज ले रहे हैं कंपनी से कि भाई हमने कंपनी स्टार्ट करी थी 5 लाख रुपए लगा के, 2 लाख रुपए लगा के, तो हमें क्या फायदा होगा, तो हमें क्या चाहिए, जो हमने 5 लाख रुपए लगाए थे उस पर हर महीने हमें ब्याज चाहिए, हर साल हमें ब्याज चाहिए, इस तरह से, है ना। अब इसके अलावा क्या है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उस पर क्या चार्ज होगा, 10% चार्ज होगा। यानी कि अगर पार्टनर कंपनी से कुछ पैसा निकाल लेते हैं जरूरत पड़ने पे, तो पार्टनर को भी तो पैसा भरना चाहिए ना इंटरेस्ट का, भाई वो जो ड्राइंग करेंगे वो तो भरेंगे, लेकिन उसके अलावा क्या भरेंगे, ब्याज भी भरेंगे कंपनी में, है ना। तो इस तरह से तो ये दो इंटरेस्ट हमें बताए गए हैं। इसके अलावा उनकी जो पार्टनर की कैपिटल है वो कितनी है, देयर कैपिटल वर 5 लाख ईच, यानी दोनों पार्टनर ने जब कंपनी स्टार्ट करी थी तो 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे। इसके अलावा बताया गया है कि भाई ड्राइंग्स जो है ड्यूरिंग द ईयर है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 ईच। अब ये चीज ध्यान रखना आपने कि भाई ये बताया जा रहा है कि दोनों पार्टनर ने क्या करा है, पूरे साल के बीच में कभी भी 60,000 और 60,000 रुपए निकाले हैं। ठीक है, अब कहते हैं आगे द फर्म इनकर्ड द नेट लॉस ऑफ 1 लाख। फर्म को क्या हो गया है, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया है। ठीक है, अब फर्म को क्या हो गया है, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया है, और इसके बाद क्या करो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं, फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसको स्टार्ट करने से पहले अकाउंट को, भाई अगर आपकी कंपनी को लॉस हुआ है, ऐसा समझो कि आप और मैं ये मिलकर कंपनी चला रहे थे, हमारी कंपनी को 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है, तो क्या आप, जो आपको और मुझे लॉस हुआ है, तो क्या ऐसे में भी आप और मैं कंपनी से सैलरी मांगे, है ना, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्याज मांगे, नहीं। तो क्या हमें मिलना चाहिए, हमें सैलरी क्या मिलनी चाहिए, जो 15,000 रुपए ईच हम दोनों को मिलने वाली थी, नहीं, हमें नहीं मिलेगी इन केस अगर हमें लॉस हुआ है तो। भाई ऑलरेडी कंपनी लॉस में है, कंपनी से हम क्या बोलेंगे, भाई हमारी सैलरी भी निकाल के दो, क्योंकि वो लॉस भी तो किसे भरना है, आपको और मैंने ही तो भरना है, ऊपर से हम सैलरी मांगेंगे तो फिर से और लॉस बढ़ गया, वो फिर हम भरेंगे, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, हम बोलेंगे भाई सैलरी मत दो, हमारी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो भी मत दो, उल्टा अगर कोई ब्याज हमें देना है तो वो हम दे देंगे। ठीक है ना, लॉस के साथ वो हमें भरना पड़ेगा, जैसे कि वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या था कि भाई दोनों पार्टनर ने क्या करा है, 60,000 रुपए कंपनी से निकाले हैं हमारे दोनों पार्टनर ने। ठीक है, और इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेगा ब्याज, कितना लगेगा,
10% कहा था क्वेश्चन में, तो हम इसका क्या करेंगे, 10% निकालेंगे दोनों का, ठीक है, 10% निकालेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी हमें कभी ये ना क्लियर हो कि पूरे साल में ये पैसा कब निकाला गया था, किस तारीख में, किस महीने पे, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, 6/12 ही यूज करते हैं, हम सिर्फ 6 महीने का ही ब्याज लगाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी क्लियरिटी नहीं दी गई हमें कि जो ब्याज लगेगा या फिर जो हमने जो ड्राइंग करी है, जो पैसा निकाला है कंपनी से हमारे पार्टनर्स ने, वो किस डेट पे निकाला है, किस महीने में निकाला, तो इसकी क्लैरिटी नहीं है। तो जब भी क्लैरिटी नहीं होगी तो हम क्या यूज करेंगे, 6/12 यूज करेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर, साल में ही निकाला लेकिन कब निकाला पता नहीं, तो हम 6/12 करेंगे, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। तो इट मीन्स जब हम इसे क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे फटाफट से, ठीक है, और तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3000 रुपए, फिर यहाँ पे भी करेंगे तो हमारे पास आएगा 3000 रुपए, है ना, मतलब कंपनी को इन्होंने ब्याज देना है, आपने और मैंने मिलकर कंपनी को ब्याज देना है 6000 रुपए, ठीक है। अब फटाफट से आ जाते हैं हमारे इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, जहां पे हमें अकाउंट प्रॉपर बनाना है। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें हमें क्या करना है, हमारी कंपनी को लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो लॉस को मेंशन करते हैं डेबिट साइड, तो यहां पे हम लिखेंगे टू नेट लॉस, जो कि कितने का हुआ है, 1,00,000 रुपए का हुआ है, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो हम कहां लिखते हैं, वो हम लिखते हैं क्रेडिट साइड। कौन सी चीज डेबिट में आने वाली है, कौन सी चीज क्रेडिट में आने वाली है, फटाफट से एक बेस समझा देता हूँ। बेसिकली जो कंपनी के बिहाफ से हमें देखना होता है, तो कंपनी के बिहाफ में डेबिट में वो आइटम आते हैं जो कंपनी के लिए खर्चा है, ठीक है। तो कंपनी को लॉस हुआ है, कंपनी के लिए खर्चा है, ठीक है। कंपनी को अगर पार्टनर को सैलरी देनी होती तो वो भी कहाँ आता, डेबिट में आता, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी के बिहाफ पे खर्चा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना होता तो वो भी क्या है, कंपनी के बिहाफ पे एक खर्चा है, तो वो भी डेबिट में आएगा। लेकिन कंपनी के बिहाफ पे जो भी चीज इनकम है वो आती क्रेडिट में, जैसे कि कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ था तो वो आता क्रेडिट में, ठीक है। अभी जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने और हमने कंपनी को देना है वो कंपनी के लिए क्या हुई, इनकम, तो यानी कहां आएगी, क्रेडिट में। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग IOD शॉर्ट में लिख दिया, एक रीमा का और एक सीमा का। तो रीमा का जो अमाउंट है वो था 3000, सीमा का भी जो अमाउंट था वो था 3000, टोटल आएगा यहाँ पे हमारा 6000, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, हमारा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनर्स को लॉस हुआ था। बस हमने एंट्री कर दी डेबिट और क्रेडिट की। अब हमें ये देखना है कि कौन सी साइड ग्रेटर है, हमारी जो ग्रेटर साइड है वो है डेबिट, क्योंकि 1,00,000 रुपए का अमाउंट यहाँ पर है। तो जो भी साइड ग्रेटर होती है उसका टोटल हम लिखते हैं नीचे, टोटल हमने लिख दिया नीचे, और इसको करेंगे हम बैलेंस को फॉरवर्ड, सेम अपोजिट साइड, कितना लिखेंगे हम यहाँ पे 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए में से क्या करेंगे, 6,000 को माइनस करेंगे, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 94,000 रुपीज। अब हमारे पास क्या बचा, क्रेडिट में वैल्यू बची। अगर बैलेंस हमारे पास क्रेडिट में बचता है तो इट मीन्स हमें लॉस हुआ है हमारी कंपनी को, यही बैलेंस डेबिट में बचता तो हम बोलते हैं हमारे पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टनर्स के अमाउंट, जो कि क्या लिखेंगे हम, बाय लॉस ट्रांसफर्ड, ठीक है। और किसको बटेगा ये लॉस, ये लॉस बट जाएगा हमारे पार्टनर्स को, जिसका नाम है, एक का रीमा और एक का नाम है सीमा। कैसे बटेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 94,000 × 1/2, यानी कि दो पार्टनर थे ना 1:1 के लिए, तो हमने क्या करा 1/2 कर लिया, इन दोनों का टोटल डिनोमिनेटर में लिखा। फिर एक बार फिर से करेंगे 94,000 × 1/2, तो इससे हमारे पास कितना आएगा, 47,000 आएगा। तो एक पार्टनर को लॉस का हिस्सा मिला 47,000 और दूसरे को भी 47,000। ये हमने क्या करा, बराबर बांट दिया 94,000 को बिटवीन टू पार्टनर्स। इस तरह से क्वेश्चन हमारा होना था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें बताएं UGE Academy ये जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर क्या मिलते हैं, TS ग्रेवाल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व करे मिलते हैं। प्लेलिस्ट में जाओ, सभी अपलोडेड है, जिस पर डाउट लगे वो खुद भी समझो, अपने दोस्तों को भी बताओ। चलो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।